गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी महाराष्ट्रातही त्यांच्या दलित अधिकार मंचाची स्थापना केली आहे. भाजपला सत्तेतून हटविण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च विरोधी पक्षांना एकत्र येऊन लढा देण्याचं आवाहनही केलं आहे. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यात जिग्नेश मेवाणी सभा आणि शक्ती प्रदर्शन करीत आहेत. लातूर जिल्ह्यातल्या उदगीर येथे दलित अधिकार मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. या निमित्ताने आयोजित केलेल्या सभास्थळावर तुफान पाऊस कोसळला. पाऊस सुरू असताना सुद्धा जिग्नेश मेवाणी मंचावर आले आणि त्यांनी भाषणाला सुरुवात केली. मेवाणींचं भाषण सुरू झाल्यानंतर सुद्धा शेकडो लोकांनी पावसातही सभास्थळ सोडले नाही. समाजात अस्वस्थता आहे. राहुल गांधी काश्मीरला गेले, राहुल गांधींना मागे ढकललंच, पण त्याच बरोबर इथे पत्रकार मित्र उपस्थित दिसत आहे. तुम्ही पत्रकार आहात ना मित्र बांधव? तुमच्या बांधवांना ज्या पद्धतीने मारले, कमीत कमी काळ्या पट्ट्या तर लावल्या असते तो बरं झालं. पत्रकारांनी काय मार खायला गेले होते? या देशात जे काही चालू आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचवलं पाहिजे हे सत्य वचन घेऊन पत्रकार जर कामाला तिथे गेले असतील तर त्यांना मारणं योग्य होतं का? हा साधा प्रश्न विचारायला. वो दिन थे जब उन दिनों के दौरान लैंड टू द टीलर, जोतने वाले को जमीन का नारा जिंदा था. अब तो लैंड टू द अडानी, अब लैंड टू द अंबानी, लैंड टू द एसआर, लैंड टू द बिजनेस टाइकून, लैंड टू द कॉरपोरेट जायंट, ये बन गया है. तो इस परिस्थिति में दोबारा उस मुद्दे को जिंदा किया जाए और हजारों के हजारों एकड़ जमीन हर एक जिले में, हर एक तहसील में पड़ी है. हमारे पास काम करने का जज्बा है, मेहनत करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी करने के लिए, पसीना बहाने के लिए लोग तैयार हैं. तो वो जमीन का आवंटन हो ना. आज भी दलित गटर में उतरने के लिए मजबूर है, मैला उठाने के लिए मजबूर है. आज भी दलित मृत पशु को निकाल के काम के लिए मजबूर है. तो हम मृत पशु के निकाल का काम क्यों करें भाई? क्यों सफाई कामदार ही बने? हमको भी जमीन का आवंटन हो. तो यदि जमीन का आवंटन होता है तो दलितों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है. गुजरात में आंदोलन के चलते हम लोगों ने 3,000 एकड़ जमीन का पोजीशन दिलवाया है. तो यही जमीन की डिमांड, जमीन का मूवमेंट दोबारा महाराष्ट्र में जिंदा हो. और सारे जमीन का आवंटन केवल दलितों को नहीं, दलित, आदिवासी, ओबीसी और एक्स आर्मी में, जो लोग इस देश के लिए सरहद पर गोली खाने को तैयार है, वो जो आर्मी के जवान रिटायर्ड होते हैं तो गुजरात में उनको जमीन आवंटन का प्रोविजन है. वो अलग बात है कि उनको भी कोई जमीन नहीं बांट रहा है. तो वो भी डिमांड पूरे राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो, ये एक हमारा मकसद है. महाराष्ट्र में अभी अक्टूबर में विधानसभा